मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव नजदीक आते ही पार्टियों के नेताओं के द्वारा एक दूसरे पर जुबानी तीर कमान छोड़ना शुरू कर दिया है। मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा के खिलाफ विवादित बयान दे रहे कांग्रेस नेता का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। आपको बता दें कि कांग्रेस के पूर्व विधायक और अंचल के बड़े दलित नेता फूल सिंह बरैया ने यह बयान नरोत्तम मिश्रा के गृह नगर दतिया में ही दे दिया। फूल सिंह बरैया कई बार अपने बयानों को लेकर विवादों में घिरे रहे हैं। इससे पहले भी दलित नेता और कांग्रेस के पूर्व विधायक फूल सिंह बरैया ने कहा था कि अगर आगामी विधानसभा चुनाव में बीजेपी की 50 सीटें से अधिक आई तो भोपाल में राजभवन के सामने ही अपने हाथों से अपना मुंह काला कर लेंगे। हालांकि फूल सिंह बरैया इस बयान पर खरे नहीं उतरे थे। फूल सिंह बरैया का बयान काफी सुर्खियों में भी रहा था। बीजेपी की तरफ से तमाम बड़े नेताओं ने कहा कि फूल सिंह बरैया अपना मुंह काला करने के लिए तैयार नहीं, क्योंकि आगामी विधानसभा चुनाव में बीजेपी फिर मध्य प्रदेश में प्रचंड बहुमत से जीतने वाली है। इस बयान के बाद अब फिर से फूल सिंह बरैया का एक विवादित बयान काफी सुर्खियों में है। अब कांग्रेस नेता फूल सिंह बरैया का यह ताजा बयान क्या है और उन्होंने उस बयान में क्या कहा है, जो आपको बताते हैं। वायरल वीडियो में फूल सिंह बरैया कह रहे हैं कि मैं मध्य प्रदेश के गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा को चुनौती देता हूं कि अगर वे अपने बाप से पैदा हैं और उनकी रंगों में उनका खून है तो इस बार जीत कर दिखा दें। फिलहाल इस बयान को लेकर गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है। कि वो अपने से अगर पैदा है, उसकी रगों में उसका खून है, मैं आपसे कह रहा हूं फिर भी कि नरोत्तम मिश्रा की रगों में उसके अगर खून है, मैं खून की उसको गुहाई देता हूं कि तेरे का तेरी रगों में खून है, अब कि तू आजा मैदान में, तू जीत के दिखा दे। वो अपनी दतिया भी जीत के दिखा दे तो मैं आपका नाम बदल दूंगा और दतिया में जाके हम उसको कुछ लेंगे। सांप अगर यहां से निकल गया है तो दतिया में कुछ लेंगे उसका फन। अगर दी इस बार जीत के दिखा दे नरोत्तम मिश्रा उसके में